नमस्कार दोस्तों, आज हम अरवी के सब्जी आप लोग को बनाना सिखाएंगे। बहुत से लोग हैं ना, अरवी के सब्जी नहीं बनाना चाहते हैं कि नहीं वो लसलस करता है, लेकिन मेरे तरीके से बनाइएगा तो जरा सा भी उसमें लसापन नहीं आएगा। और सरसों डाल के बनाएंगे, एकदम टेस्टी बनेगा। एक बार मेरे तरह बना के देखिए। चलिए तो आज हम बनाते हैं। ये देखिए, ये हम इसको छील के धो लिए हैं। और अरवी जब भी लीजिए, खरीदने जाइए तो देखिएगा, हाथ से छू के ऐसे छीला जाएगा, वैसा अरवी लीजिएगा तो उसका टेस्टी सब्जी बनता है। ये अरवी हम काट लिए हैं, इसका ये आधा केजी अरवी है। हम तेल कढ़ाई गरम किए हैं और इसमें तेल डाले। तेल गरम हो जाएगा तब अरवी डालना। तेल गरम हो गया है, एकदम कड़ा गरम। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसको मीडियम आंच पर ढक ढक कर सिझाएंगे, इसको पकने देंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। ये एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच सरसों पीसा हुआ, ये छोटा चम्मच से एक चम्मच हल्दी, थोड़ा सा मरीच पाउडर, छोटा चम्मच से एक चम्मच धनिया पाउडर, नहीं डालिएगा जितना आपको तीखा खाना। घोल लेंगे, इसको घोल के छोड़ देंगे। तब तक ये जब तक बन रहा है तब तक इसको पेस्ट बना कर रखें। अरबी अब सीज गया है, ऐसे करके देखिए। अब इसको तेज आंच कर देंगे, तेज आंच करके इसको लाल करेंगे। अभी और लाल होगा, लाल हो गया है ये। अब ये लाल हो गया, अब इसमें मसाला जो हम बनाए थे वो मसाला डाल देंगे। तो 2 मिनट मीडियम आंच पर भूजेंगे। मसाला भुना गया है, अब इसमें पानी डालें। पानी थोड़ा पतला ही रखेंगे, ये गाढ़ा होगा, ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है। इसमें रस का स्वाद अनुसार नमक डाल देना। अब इसको 2 मिनट पकाएंगे। अब ये बन गया है, अब इसका गैस बंद कर देंगे। इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। नींबू का रस डालने से टेस्ट भी बढ़ता है और मुंह भी नहीं काटता। देखिए देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, एक बार खा के देखिए और बना के देखिए और कमेंट करके बताइए।